Okay, so ladies and gentlemen, boys and girls, love you all. This is me, Hibang Oza, and welcome back to your channel, Geo Vlogs. So today we are going to Gir National Park. यहाँ से कितना किलोमीटर है? 860. But we will go through Ro-Ro ferry. So probably हम लोगों के लिए 530 odd kilometers हो जाएगा. So हम लोग थोड़ा smart लोग हैं. आई कि नहीं? आँख मार रहा हूँ, दिख नहीं रहा आप लोगों को. Anyways, I'll catch you on the road. One of my cousin is waiting for me at the Cheknaka, right? Okay, so people, अभी दोस्तों हम अभी दहीसर चेकनाका पहुंच जाएंगे. केवल 3-4 मिनट की देर है. और वहाँ पे my cousin is waiting for me. I mean, he is going to join us in the ride. He rides Bullet Classic 350. So we will have 2 Dominar and 1 Classic 350. It's going to be fun. Woohoo! अरे केम जे, ओ तू है फ्यूरियस से? ऑल सेट, ऑल सेट. हाय इमान, हमारा फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड हेमंत. ओके, सो थोड़ा सा बस यही के आसपास पहुंच गए हैं और अभी थोड़ा खुला रास्ता मिला. अदरवाइज आगे बहुत ट्रैफिक था, सो इट वॉज एब्सोल्युटली पथेटिक. सर मैंने बोला क्या ब्लॉग बनाओ यार, वो इतना ट्रैफिक है, क्या दिखाओ आप लोगों को. तो अभी ये तो हॉल्ट है, माहौरा की तरफ बढ़ रहे. मेरी गुरु दारी दी दा 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 दी दा दी दा 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 मेरे. तो दोस्तों मैं एक गाना सुनाऊंगा. ये गाना जो है एक्चुअली तो थोड़ा नेगेटिव शेड है, बट ये गाना मुझे बहुत पसंद है. और ये गाना मतलब मैं टॉमी के लिए गाना चाहता हूँ. आई नो माय वाइफ वुड बी जेलस, बट ठीक है, आप लोग मेरी आवाज को झेलिएगा थोड़ा सा और ये मेरी मधुर आवाज के मजे लीजिए. गाना है वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज. ओके, सो ये गाना है कुछ इस तरह से. और इसको इमेजिन करिएगा, जो हसीना है वो मेरी डॉमी है और दीवाना जो है वो मैं हूँ. एक हसीना थी, एक दीवाना था, क्या उम्र क्या समा क्या फसाना था. एक हसीना थी, हसीना थी, एक दीवाना था, दीवाना था, क्या उम्र क्या समा क्या फसाना था. गाना मैंने कैसे गाया, कमेंट में अच्छी अच्छी बातें लिखिएगा प्लीज. अच्छा ही बोलिएगा, गाना अच्छा गाया मैंने, है कि नहीं? मतलब मैंने मेरे इमेजिनेशन के हिसाब से मैंने बहुत अच्छा गाया. हालांकि मेरी अभी आवाज जो है वो अमरीश पुरी और अमिताभ बच्चन टाइप है, तो क्या हो गया, है कि नहीं? पर गाना तो बढ़िया गाया, तो एंजॉय कीजिए दोस्तों. वी हैव वन लाइफ एंड लिव इट टू द फुलेस्ट.
इस हफ्ते जो है, मतलब जो 19th-20th December वाला जो वीक है, उस हफ्ते में कोई व्लॉग नहीं आएगा मेरा। उसका रीज़न है कि मैं ऑफिस के काम में बहुत ज़्यादा बिजी था। मैं नॉर्मली अपना व्लॉग्स के एडिटिंग सैटरडे संडेज को करता हूँ, बिकॉज तभी मुझे वक्त मिलता है। बट ऑफिस में बहुत काम होने के कारण मैं कुछ एडिटिंग कर नहीं पाया, और आज मेरी दूसरी राइड शेड्यूल थी। टुडे 16th of December, सो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में गया था 26 नवंबर से 28 नवंबर, और उसके अंदर बेसिकली कंटेंट बहुत है, बिकॉज उधर घूमने लायक बहुत चीज थी, तो इसलिए उसके 4 पार्ट्स बनेंगे। और अभी मैं जा रहा हूँ, जैसे आप लोगों को पता है, गिर नेशनल पार्क। लंबा प्लान है थोड़ा, तो उसके एडिटिंग जब भी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की मैं ब्लॉग्स डाल दूंगा, उसके बाद उसके ब्लॉग्स आएंगे। आई नो थोड़ा सा मैं आई एम रनिंग बिहाइंड क्लॉक है, थोड़ा सा लेट हूँ, बट अभी क्या करें, वर्क इज मोर इम्पोर्टेंट एंड वर्क इज वेरी इम्पोर्टेंट। हम सबको जो है रोटी अपना काम ही देता है। मेरा जॉब मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसके ऊपर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी। तो व्लॉग इज़ माई पैशन। और यार आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं इतने लाइक देखता हूँ मेरे व्लॉग पे, इतने लाइक्स और कमेंट्स वगैरह देखता हूँ, बट सब्सक्राइब करने में कंजूसी न करिए प्लीज़। केवल एक सब्सक्राइब लिखा होता है, उधर क्लिक करना होता है, वो आपको पूछेगा डू यू वांट टू सब्सक्राइब, आप बोलिए यस, बस हो गया सब्सक्राइब। और ऊपर राइट साइड पे एक बेल की आइकन होगी, विच इज घंटी की आइकन, एक सिंबल बना होगा, उसे क्लिक कीजिए, सो दैट नेक्स्ट मेरा कोई भी ब्लॉग आए तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले। ओके, तो प्लीज़ आप लोगों को से निवेदन है कि कृपया करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, धन्यवाद। ओके, सो दोस्तों ये रहा आउरा। हमने डिसाइड किया कि हम थोड़ा आगे जाएंगे, यहीं पे आगे है जलाराम काठियावाड़ी, जहाँ पे लास्ट टाइम हमने थोड़ा खाना खाया था, बहुत बढ़िया था खाना। तो अभी प्लान ये है कि वहीं पे जाके, अरे विंड ब्लास्ट बहुत है यार, तो प्लान ये है कि बस वहाँ पे जाके जलाराम काठियावाड़ी जाके जो है वो देखिए दिख रहा है जलाराम, वहाँ पे थोड़ा खाना खाएंगे, जलपान करेंगे, सम गुड फूड वहाँ पे। लास्ट टाइम हमने जब आई थिंक वी केम फॉर अ राइड, कौन सा तो डैम था यहाँ पे, वहां पे गए थे, तभी यहाँ पे आए थे, मजा आया था वहां पे उस वक्त। ओके, सो पीपल वी आर राइट नाउ एट जलाराम काठियावाड़ी, जस्ट अहेड ऑफ आहुरा, और हम लोग मस्त खाना खा रहे हैं, एकदम गुजराती आइटम, जबरदस्त काठियावाड़ी आइटम है, उंधिया है, फिर कुछ तो है, जय जलाराम स्पेशल है, कुछ तो और भी स्पेशल है, फिर खिचिया पापड़ है, और मेरे सारे दोस्त जो है खाने में मशगूल, और मैं बकवास करने में मशगूल। तू बकवास कर, हमको खाने में, और मैं अभी वापस खाना खाने, तो मेरे को भागने के वापस। ओके, कैच यू, बाय। ओके, तो अभी जस्ट पीछे जो है गुजरात का भिलाड़ चेक पोस्ट गया, अब हम ऑफिशियली जो है गुजरात में एंटर कर चुके हैं। तो ये बच्चन जी जो है इतना रिक्वेस्ट कर रहे थे कि कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में, कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में, तो हमने सोचा यार थोड़ा दिन गुजार ही लेते हैं, तो हम गुजरात में कुछ दिन गुजारने जा रहे हैं, गिर जंगल। सो दोस्तों शाम के बज चुके हैं 5:40, और हम लोग बहुत
थोड़ी देर में, मतलब एक आध घंटे में मे बी 1 आवर 10-20 मिनट्स में पहुंच जाएंगे। लेकिन मेरा दोस्त बोल रहा है कि उसको चाय पीनी है और मुझको भी पीनी है चाय। तो अभी देखेंगे कहाँ पे किधर चाय होगी अच्छी प्यार भली मस्त चाय वाला, तो चाय शाय पियेंगे। अभी ये ट्रैफिक शुरू हो चुका है, नोटिस किया कि चाय जो है हर स्टेट में थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, और कुछ स्टेट में तो है क्या पानी पिला देते चाशनी वाला मीठा मीठा, और उसमें थोड़ा सा कलर डिप होता है, तो ऐसा आपको फील आए चाय है चाय। क्या होता है आप जब अच्छी खासी लॉन्ग राइड करते हो या ड्राइव करते हो ना, तो बीच में अगर एक आधी चुस्की, अगर आपको चाय का आनंद अगर आपको मजा आता है, तो थोड़ी सी चुस्की जो मिलती है ना उससे मन प्रफुल्लित हो जाता है। बढ़िया हिंदी बोल रहा हूँ आज मैं एकदम, अंदर कोई तो एकदम नेता चले गए। ओके तो यहाँ पे हम पियेंगे। सुचित सुचित मुझे यहाँ पे मिला, उसने कहा कि आप एचजीओ ब्लॉग्स वाले हो ना, मैंने कहा हाँ। मैं इतना खुश हुआ कि ऐसा कोई मुझे मिल गया जो मेरा सब्सक्राइबर, और ये यहाँ पे है सुमन भाई है, और ये कौन है ईशान, और ये मेरा सब्सक्राइबर है सुचित। राइट, नाइस मीटिंग, थैंक यू। ओके सो दोस्तों, मैं हूँ वलसाड़ NH8 पे, और यहाँ पे बन रहा है उपाड़िया। ये बहुत हेल्दी होता है, ये सब तरह की सब्जी होती है, उसे इस तरह के मटका जो रहता है उसके अंदर मतलब स्टीम करते हैं। हाँ देखो ये अभी बताएंगे, ये देखिए सारी सब्जियाँ अंदर है मिक्स, और ये बहुत हेल्दी होता है, इसे उबाड़िया कहते हैं। उबाड़िया उबाड़ियो 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 कहते हैं। ओके थैंक यू। ओके तो दोस्तों हम लोग सूरत से लेफ्ट अंदर ले चुके हैं, और ये रास्ता जाएगा हजीरा की तरफ। शाम के तकरीबन 7 बज चुके हैं, हजीरा 47 किलोमीटर बता रहा है, तो मतलब टेंटेटिवली 45 मिनट्स टाइम हो चुका है 7:25 के आसपास, और हम बहुत क्लोज पहुंच चुके हैं जो हमारी होटल है वहाँ पे, बस अभी कुछ ही टाइम में हम पहुंच जाएंगे। आई थिंक इट विल बी अराउंड 15-20 मिनट्स मोर एंड वी वुड बी देयर इन आवर होटल। मैं अपर पे चला रहा हूँ सो दैट आप लोगों को जो है रास्ता एकदम अच्छे से दिखे। खैर अंधेरे में तो क्या ही दिखाऊं मैं, कल सुबह बहुत मजा आएगा। आई एम जस्ट वेटिंग ईगरली बिकॉज कल सुबह का जो सफर होगा बहुत मजेदार होगा, स्पेशली ऑब्वियसली जो हम एक बार घोगा पहुंच के जो राइड करेंगे उसमें तो मजा है ही है, बट इवन जो जहाज का सफर होगा जो शिप में बैठ के जाना उसका भी मजा अलग होगा। और ये बातों बात ये जो बातों बातों में जो है हमारी होटल जो है सामने आ चुकी, ग्रीन ग्रीन होटल, ये हमारी जो आज रात की होटल बुक है उसका नाम है। ओके पीपल वेलकम बैक, हम लोग होटल में पहुंच चुके,
दो घंटे के ऊपर हो गया, मैं भूल ही गया था कि ये कवर नहीं किया मैंने, सो मैंने सोचा हाँ थोड़ा सा कर लूँ। हम लोग को दो घंटा हो गया हेमंत भाई? यस दो घंटा हो गया, दो घंटा हम लोग खाना वाना खा लिए, नहा धो लिए, फ्रेश है अभी एकदम, अभी सोएंगे, कल सुबह 6:30 बजे मिलते हैं। ओके टेक केयर, गुड नाइट।